असलम गाइज़ टोडे आई कॉन आई शेयर माई डेली रूटीन विद यू बिकॉज आई शेड अ लॉड ऑफ थिंग विद यू इंस्टेट ऑफ माई डेली रूटीन सो गाइज मैं छः बजे उठी मेरे पापा जान मुझे उठा रहे थे पाँच बजे से मुझे उठाना हो मैं कहती हूँ रात से ही उठाना शुरू करो तो मैं मुश्किल से सुबह उठूँगी सो so, अब मैं रेडी होने लगी हूँ स्कूल के लिए सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वोर यूनिफॉर्म बाकी काम तो होते रहेंगे मैं आपको अपनी सोच सुनाती हूँ कि कल मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आया और एंड पे रोई भी मैं ही सो गाइस कल इसम्बली टाइम रजिस्ट्रेशन हो रही थी और नाइन टेन लड़ की लड़कियाँ बहुत शोर कर रही थी टीचर ने मुझे कहा जाके देखना माह वहाँ पे क्या हो रहा है तो नाइन डी लड़ की लड़की ना बहुत बातें कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ पता नहीं सारी बातें इन असम्बली में ही आती हैं याद सो so, जब मैं गई ना मैंने ऊंचा जा कहा डोंट मेक नॉइस दोबारा बातें करना शुरू हुई है अपनी फ्रेंड्स के साथ मैंने कहा आपको आवाज़ नहीं आई रजिस्ट्रेशन हो रही है चुप हो जाए कहती आप भी चुप हो जाएँ फिर मैंने कहा हमें इतनी भी सेंस नहीं है नाइन तक का आपने यही नॉलेज गेन की है कि रजिस्ट्रेशन हो रही है और आपको कोई मना कर रहा है वो उल्टा उस पर भी पड़ जो कि आप चुप हो जाएं बाकी से बोलना शुरू हो गई पूरी नाइन टेन मेरी तरफ देख रही है और सारे बच्चे इस तरह देख रहे हैं कि बस हो गया इसका फड्डा मेरी क्लास का लड़ की लड़की कहती है वही माजरा को फट्डा हो गया तो फिर मैंने कहा ठीक है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ मैं गई मतलब फ़ौरन ना होना शुरू हो गया तराना शुरू हो गया तो मैं जाकर स्टेज पे खड़ी हो गई गुस्से में तो जो प्रेसिडेंट है हमारी मैंने उसे कहा बिते धारा उनका नाम बिते धारा मैंने कहा बिता हजारा इसने मेरे पास मेरे साथ दूसरी बार बदतमीज़ी की है पहली बार हमारी लड़ाई हुई थी जब ये जोगर्स पहन के आई थी भाई स्पोर्ट्स की नहीं है तो जोगर्स क्यों पहन के आई है मैंने उससे कहा जोगर्स नहीं पहन के आने उसने तब भी मेरे साथ बोला था और मैम इस मदहक पास ही लेके गई थी जिन टीचर ने मुझे कहा था ना कि जाके देखो तो मैंने पूरी बात बिनते जहरा को बताई कहती मैं देख लेती हूँ मैंने कहा नहीं मिस मदीहा देखेंगी तो ठीक है अदरवाइज़ में सैश उतार के उससे ही दे रही हूं कि देखो ये संभाल ले सबको गुस्सा ही दिला दिया था उसने मुझे मुझे इतना गुस्सा आ रहा था फिर उसने हम दोनों गए और फिर टीचर बात बताना शुरू की कि आज पहला पेपर है ऐसे करना है ऐसे करना है तो फिर हम टीचर की बात सुन रहे थे फिर उसने ना नूर जैनब वो जी स्पोर्ट्स की प्रेसिडेंट है उसको कह दिया नूर कहती है मैं देख लेती हूँ मैंने कहा नहीं टीचर के पास जाना है टीचर के पास की कहती नो मैम ऐसे नहीं हुआ था इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी मैंने कहा अब तो बड़ा इन्हों आ रहा है तो टीचर कहती मारा अब हार्श वर्ड यूज़ ना क्या करें मैंने कहा मैम हार्श वर्ड की बात ही नहीं है जब हमारी ड्यूटी ही ये है कि दूसरों को मना करना है तो मैं क्या करूँ मैंने कहा मैम अगर डिसिप्लिन यहाँ वहाँ होता है तो बेजती भी आप हमारी करती हैं फिर इसे ही दे दें साइशा आप फिर टीचर कहती हैं कि बेटा उस दूसरी लड़की को कि बेटा इसकी तो ड्यूटी ही है आप आगे से ना इस तरह ना किया करें आपको जब कोई मना करता है तो आप ये किया करें फिर वो चलेगी मुझे इतना गुस्सा आया उस पर हालांकि इंसल्ट उसकी हुई थी लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया मैं वॉशरूम चले गई मैं जाकर रोना शुरू होगी लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी पीछे मेरी फ्रेंड्स आ गई आयशा आयत तो आयशा कहती मार तुम रो रही मारी क्या मैं मैंने कोई कुछ नहीं हुआ उन्हें उनमें से ना किसी को भी ये बात नहीं पता थी तो आयत को जब मैंने पूरी बात वापस आयत कहती थी मारा उसकी है इस रही है तो मैं हंसना शुरू होगी बहुत गुस्सा आया मुझे उस पर बुरी बहुत लगती है मुझे वो एनी हाउ मैं अभी क्यों अपना मूड खराब करी मैं आपको बताती हूँ मेरी एक और स्टोरी कि जब मैं एट में थी ना तो प्रिंसिपल ने मेरी तारीफ की थी मेरे हेयर स्टाइल की और सब सेक्शंस पे बताया था कि इस जैसा हेयर स्टाइल बना के आया और सबको मेरा पता है इसी बात से सब so गाइस मैं रेडी होगी क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल भी बन गया रोज़ रोजाबी को मैं सुबह उठाती हूँ मेरा हेयर स्टाइल बनाने पर वो उठती नहीं है उनको नींद बहुत प्यारी है तो मैं जाने लगी हूँ स्कूल बिकॉज आई एम रेडी अब आकर दिखाऊंगी मैं स्कूल से आके क्या करती हूँ पढ़ने के अलावा तो और कुछ खास नहीं करती है मैं जाने लगी हूँ बाय बाय तो गायज अब मैं आ गई हूँ सही था आज का दिन अपनी क्लास में मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड मेरी दूसरी क्लास में जब वहाँ जाती तो बहुत मज़ा आता है गाइज जब मैं छत से गिरी थी छत से गिरी नहीं थी गिरने लगी थी उस प्रोसेस में थी लेकिन बच गई और मुझे चोट भी लग गई गाइज मेरे पेपर्स होने वाले हैं डेट्स एम्स और टें नाइन्थ के ये दूसरे पेपर हैं सेकेंड टर्म होने वाला है हमारा जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और अब मैं पढ़ने का सोच रही हूँ पर दिल नहीं कर रहा और अब मैं पढ़ने लगी हूँ मैं अभी पढ़ी थी फिज़िक्स पढ़ी थी और फिर उसके बाद मैंने पढ़ी है मैथ क्योंकि मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगी फिर मैंने आप ही ने दही भले मंगवाई और फिर हमने खाई उस खाने के बाद फिर मैंने सोचा अब दोबारा पढ़ना शुरू कर दूँ और मैं फिर पढ़ना शुरू की मैं मैथ करना शुरू की मैथ करने में मुझे बहुत मज़ा आता बिकॉज एक चीज़ आपने समझी होती है उसको रिपीट करना होता है कौन सा आपने कुछ याद किया हुआ लिखना होता है और फिर गाइस पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया फिज़िक्स का तो टीचर ने काम दिया था मेरे टीचर ने, ने मेरिकल्स करवाए थे मैंने मतलब मैं स्कूल में ना कॉपी लेकर जाना भूल गई थी और मैं मैंने लिखे ही नहीं फिर मैंने जिस पेज पर निकले लिखे थे वो निकाला और देख सकते हैं वो कैसा था फिर मैं तो खुद समझ नहीं आ रही थी मैंने लिख दिया क्या और अब मैंने क्या लिखना है इसे देख के मैं ना घर में न मेकल्स की प्रैक्टिस रही थी जिसकी वजह से मैं गोभी घर ही भूल गई थी मेरा फिर दिल कर रहा था मीठा खाने का जो मुझे बहुत पसंद है फिर मैंने अंदर से खाए और फिर मेरा मूड अच्छा हो गया क्योंकि फिर कुछ खा लो ना बीच में रेस्ट कर लो तो मूड अच्छा हो जाता है फिर उसके बाद मैं दोबारा माइकल सीखना शुरू हो गया और फिर रात के गारह बजे थे और आप ही का बार बार लाइट ऑफ कर दूँ मैंने सोना है लाइट ऑफ़ कर दूँ मैंने सोना है मैंने कहा यार तीन चार माइकल्स हैं मैं लिख लूँ फिर मैं खुद ही लाइट ऑफ़ कर दूँगी मैंने खुद भी सोना है फिर मैं जल्दी जल्दी मैकल्स लिख रही थी ये उन टीचर का काम है जिनकी मैं चमची बनती हूँ बड़ा मज़ा आता है उन्हें मेरिकल्स करा रही होती है और फिर मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर में ना वैल्यू डाल डालकर सॉल्व करके टीचर को बताती रही मैम ये आ रहा है आंसर मैम ये आ रहा है आंसर बड़ा मज़ा आता है उनकी चमची बनने का वो वाइस प्रिंसिपल भी हैं फिर बड़ा मज़ा आता है उनके सामने शोगा बनने का सो गाइज इट वॉज माई डेली रूटीन देर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन माई डेली रूटीन पढ़ने के अलावा तो और कुछ है नहीं तो यहाँ पर मेरा हो गया काम थैंक गॉड एंड अब मैं सोने लगी हूँ हाफिज़